अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी आलू और गोभी का सालन बनाना। ये भुजिया होती है, बड़ी मज़ेदार बनती है, सिंपल है। चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। आलू मैंने इस्तेमाल किया, यानी कि पोटेटोज 3 लार्ज, आप इन्हें इक्वल साइज़ में काट लीजिएगा। और गोभी मैंने इस्तेमाल की, यानी कि कॉलीफ्लावर 1 मीडियम साइज़ का। अगर आप इसको थोड़ा सा बारीक काटना चाहते हो, आपकी चॉइस है। मैंने इसको थोड़ा सा जो है मोटे पीसेस काटे हुए, ताकि ये थोड़ी सी खड़ी खड़ी बनेगी। कुछ लोग होते हैं वो हॉश पॉश पसंद नहीं करते हैं, तो ये उनके लिए खासतौर पे बना रही हूँ। 1 मीडियम साइज़ कॉलीफ्लावर एंड की गोभी, 1 लार्ज अनियन, टमाटोज आपको 3 से 4 अदद चाहिए होंगे। मेरे पास नहीं थे तो मैं एक कैन इस्तेमाल कर रही हूँ टमाटोज का, विच इज़ परफेक्टली फाइन। अगर आपके पास ना हो आप भी कैन इस्तेमाल कर सकते हैं, जायका वही रहता है। मसालों में आपको चाहिए हल्दी 1/2 टीस्पून, दैट्स टर्मरिक पाउडर, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून, क्यूमिन सीड्स यानी जीरा 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, लेवल्ड यानी कि लाल मिर्चें जो है ज़्यादा भर कर नहीं डालनी, लेवल करके डालिएगा। और आपको कलौंजी या कलौंजी जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं वो आपको चाहिए होगी तकरीबन 1/2 टीस्पून। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं जी नाइजल सीड्स, या आप देख लें छोटे छोटे सीड्स होते हैं, तो आपको 1/2 टीस्पून ये चाहिए। सॉल्ट आपको चाहिए टू टेस्ट और 1 टीस्पून भरकर, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर 1 टीस्पून हीपफुल भरकर आपको चाहिए, मेरा होममेड गरम मसाला आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून, ऑयल आपको चाहिए 1/2 कप, और तकरीबन 1 से 2 हरी मिर्चें कर लें, और एक छोटा बंच कर लें फ्रेश कोरिएंडर का, हरा धनिया, ये इसकी गार्निश के लिए होता है। एंड में जब इसको हम भूनने लगते हैं तब डालते हैं। आपको दिखाती हूँ हमने आलू गोभी किस्सा बनानी है। तेल मैंने गर्म कर लिया हुआ है, सबसे पहले आप इसमें डालेंगे जीरा, कलौंजी, और इसे आपने हल्का सा, जो तेल ये गर्म है ये स्ट्रेट अवे ही भूनना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर आपने इसके साथ ही आपने बीच में ऐड कर लेना है आपके जो प्याज है और अदरक लहसुन का पेस्ट यानी कि जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, और सॉल्ट भी यहीं पे डाल लेंगे। सॉल्ट डालने की वजह ये होती है क्योंकि सॉल्ट से जो प्याज का एक्सेसिव पानी वो जल्दी से बाहर निकल आता है और जो है प्याज जल्दी से गोल्डन हो जाता है। फिर आप देख लें कि प्याज जो है हल्का सा गोल्डन हो चुका है, बिल्कुल उन्हें से काला नहीं करना है। और यहीं पे आप ऐड करेंगे जो हमारे टमाटोज हैं, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, लाल मिर्चें, हल्दी, आप मिर्ची या नमक अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए फीका होगा तो जब हम इसमें पानी डालकर मसाला बनाना शुरू करेंगे तो वी कैन ऑलवेज चेक इट। तो यहाँ पर आपने अब अच्छी तरह इसको टमाटर को ज़रा गल जाने देना है ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और साथ ही तेल जो है ऊपर आ जाए। यहाँ पर आप देख लें कि टमाटर जो है अपना मसाला बना दिया हुआ है, और साथ ही अब यहाँ पर हमने जो है पहले गोभी ऐड करेंगे, दैट्स कॉलीफ्लावर। काटना आपकी मर्जी, आप इसको बारीक काटना चाहते हैं, थोड़ा सा यूँ मोटा मोटा रखना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अगर आप इसको बारीक काटते हैं तो यकीन जाने वो जल्दी पक जाती है, क्योंकि ये थोड़ी सी हमने मोटी मोटी काटी हुई है। ये थोड़ा सा हमें इसको थोड़ा गलाना होगा अच्छी तरह, क्योंकि कच्ची सब्ज़ी से ये होता है कि पेट में दर्द हो जाती है, सो दैट्स नॉट रियली राइट। तो यहाँ पर आप देख लें, इसको मिक्स कर लेने के बाद बीच में आप 1/2 ग्लास पानी डाल लें, और मैंने शुरू से लेके अभी तक फ्लेम हाई रखी हुई थी। अब यहाँ पर जब इसमें सालन के अंदर में उबाला सा आएगा तो आप इसको लो टू मीडियम पे रख कर इसको 8 मिनट तक आपने गोभी को थोड़ा पका लेना है, और उसके बाद हम आलूओं को ऐड करेंगे, क्योंकि आलू जल्दी गल जाते हैं ये तो आप जानते ही हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा उबाला जब स्टार्ट होगा पानी में, इसको लो टू मीडियम पर करके 8 मिनट के लिए पका लें। यहाँ पर आप देख लें कि तकरीबन 8 मिनट लगे हैं। अगर आपको देखें हर जगह जो चूल्हा होता है उसकी अपना सेक होता है, अपनी हीट होती है, तो मैं ज़्यादा कुछ आपको कह नहीं सकती कि इतनी देरी में हो सकता है, क्योंकि मैंने अपना चूल्हा मीडियम एंड लो टू रखा हुआ। आप देख लें कि जो एक छुरी के साथ में आप चेक कर लें कितनी अच्छी तरह ये गल गया हुआ है, हाफ हुए इस कुक्ड। यहाँ पे अब आपने जो है अपने पोटैटोज ऐड कर लेने, यानी कि आलू हम बीच में डाल रहे हैं। आलू डालकर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और दोबारा यहाँ पर हम 1/2 कप ऑफ वाटर डालेंगे, क्योंकि अब हमने आलूओं को भी गलाना है। आलू जो है अभी बिल्कुल कच्चा है, गोभी 1/2 वे हो चुकी हुई है, और यहाँ पर 1/2
कप ऑफ वाटर डालेंगे और दोबारा लो टू मीडियम पे रखकर हमने इसको कुक करना है कि जब तक आपके आलू गल जाएं। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि बीच में चेक करते रहें ताकि आपके आलू जो है ये अपनी शेप लूज ना कर लें, वरना फिर जब आप किसी को सर्व करते हैं तो कुछ अच्छा नहीं लगता कि आपकी सब्जी का बिल्कुल हलवा सा बना हुआ हो। तो यहाँ पर आप इसको दोबारा लो टू मीडियम पे करके कुक करेंगे टिल द वाटर इंटायरली ड्राइज, पानी खुश्क हो जाए और आपके आलू भी गल जाए। यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ कि आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं, बिल्कुल नाम का पानी नीचे रह गया हुआ थोड़ा सा बिल्कुल, और जो ऑयल हमने इस्तेमाल किया था वो भी साथ साथ इज ऊजिंग आउट। यहाँ पर आपने ऐड करना है जो मेरा होम मेड गर्म मसाला है, ज़रूर चेक कीजिएगा। गर्म मसाला जो घर पर बनाया जाता है उसकी खुशबू ही बिल्कुल डिफरेंट होती है जो कि आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, उससे ज़्यादा खूबसूरत अच्छी खुशबू और ज़ायका। प्लस इसमें आप हरा धनिया हरी मिर्चें डालेंगे अपनी गार्निशिंग के लिए, और साथ ही यहाँ पर आपने फ्लेम हाई कर लेनी है क्योंकि आलू भी गल चुकी है, गोभी परफेक्टली गल गई हुई है। अब हमने सिर्फ इसको अच्छी तरह भून लेना है ताकि जो पानी है इंटायरली ड्राई हो जाए, और यहाँ पे हमारी आलू गोभी तैयार है। सिर्फ तकरीबन 2 से 4 मिनट और लगेंगे पानी को मज़ीद और ड्राई होने में, और फिर हम इसे डिश आउट कर देंगे। जनाब अच्छी तरह भून लेने के बाद आपकी आलू गोभी तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिए पराठों के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ, चटनी आपने मेरी काफ़ी देखी है, ज़रूर बनाइए और बताइए कैसा लगा आपको। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।